हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने वाली हूँ हिबिस्किस ऑयल के बारे में। जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट्स में देख रहे होंगे कि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत वीडियोज़ आ रही हैं या आप बहुत कंटेंट देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है या बहुत फेवरेबल है हेयर फॉल के लिए। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें ऐसा होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके हेयर फॉल हो रहा है वो रुकना शुरू हो जाए और हेयर लॉस में कन्वर्ट ना हो। तो इसमें विटामिन सी होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइबर होते हैं। तो जो आपका हेयर फॉल हो रहा है ड्यू टू एक्स वाई जेड कॉज, अब एक्स वाई जेड में कॉज कोई मेडिकल भी हो सकता है, साथ ही साथ जो स्ट्रेस लेवल है या लाइफस्टाइल है या पोल्यूशन है जो आप केयर नहीं कर पाते हैं वो रीज़न भी हो सकता है। तो अगर साथ में मेडिकल कोई भी रीज़न जुड़ा हुआ है, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है या फिर हीमोग्लोबिन कम है, तो इनको तो आपको साथ में ट्रीट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन अटक जाता है ना दिमाग में कि यार हम ऑयल कौन सा लगाएं या शैम्पू कौन सा यूज़ करें जो हेयर फॉल रोक दे, क्योंकि हम मेडिकल डिसीजेज में बाद में जाते हैं डायग्नोसिस करने के लिए जब 6 महीने से ज़्यादा हमारा हेयर फॉल बढ़ता चला जाता है और वो हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में हम यही सोचते हैं कि हमें कोई शैम्पू मिल जाए या ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ऑयल मिल जाए जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए। तो उसमें आपको हिबिस्किस ऑयल बहुत हेल्प कर सकता है। ये जो बालों की ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, लॉक कर देगा हेयर फॉलिकल को, जो एक्स्ट्रा शेड होते हैं बाल आपके वो नहीं होंगे, डैमेज से बचेंगे आप। अगर डैमेज हो रहे हैं आपके बाल ड्यू टू पोल्यूशन और ओवर हीटिंग उससे आप बचेंगे, ज नहीं होगी और इसका जो हेयर फॉलिकल जो रूट्स हैं वो मजबूत ये करेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। साथ में अब यूज कैसे करना है, अच्छा एक मिथ है, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो आई वुड से कि ऑयलिंग करने का, मसाज करने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप अपनी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट ना करें। बट इनिशियल स्टेजेस पे अगर हेयर फॉल है तो आप ऑयलिंग ज़रूर करें। जैसे हिबिस्किस ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो वीक में 2 से 3 बार आप यूज़ करें बिफोर शैम्पू। आप चाहें तो ओवरनाइट लगा के छोड़ सकते हैं और अपने एंड्स पे नहीं लगाएंगे, अंदर स्कैल्प पे लगाएंगे ताकि अंदर तक जो स्कैल्प का फॉलिकल टूट रहा है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले और आपका बाल स्ट्रांग बने। तो आप ओवरनाइट लगा के छोड़ सकते हो या शैम्पू से 3 आवर्स बिफोर आप मसाज करके छोड़ दीजिए एंड देन शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, आपको सूट करना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। इस तरह से आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन साथ में मेक श्योर कि आप ओवर हीटिंग, ओवर डैमेज, कर्ल, स्ट्रेटनिंग ये सब कम से कम करें या इन्हें अवॉइड करें ताकि बालों को जो हम एक्सटर्नल डैमेज दे रहे हैं वो ना हो। और लाइफस्टाइल तो ज़रूरी है ही, आपको अच्छा खाना है, फ्रूट्स आप खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें आप ज़्यादा खाइए, विटामिन सी वाली ज़्यादा चीज़ें खाइए जिससे केराटिन बालों को मिलता रहे नेचुरली और आपको ज़रूरत ही ना पड़े ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की। वेल, आप सिया का हिबिस्किस ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको यूज़ करके देख चुकी हूँ, मेरे को पोस्ट प्रेगनेंसी में इसने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हो और बाल झड़ते हैं, तो मुझे सिया के हिबिस्किस ऑयल ने बहुत हेल्प करी है। अब देख सकते हो मेरे बाल ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे लेंथ में, अच्छी डेंसिटी में है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ी हुई है, जैसे पीसीओडी है या थायराइड है या आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसको भी आप ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपका हेयर लॉस जल्दी से ना आए और हेयर फॉल तक ही आपका डैमेज रुक जाए और आपके बाल मजबूत हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिबिस्किस ऑयल आपको सिया का मिलेगा कहाँ से, सो इट्स सो इजी, आपको अमेजोन पे भी मिल सकता है या आप siaayurveda.com से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं एंड इसको आप यूज़ करके देखिए एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स एंड बिलीव मी आपको अपना हेयर फॉल कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा। और भी चीज़ें जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, एक फॉर्म हम देते हैं आप उसको फिल करिए, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूं और आपको किसी भी डैमेज से बचा सकूं और आपको लाइफ लॉन्ग हम सुंदर रख सकें, कॉन्फिडेंट रख सकें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।